तो हेलो गाइस, तोहिद मुस्तफ़ा ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज का ब्लॉग है कि नवादा में पासपोर्ट कहाँ बनता है। ऐसे सब लोग जाते हैं पटना, पर नवादा में भी अवेलेबल हो गया पासपोर्ट का। तो आपको दिखाऊंगा कि पासपोर्ट कहाँ बनता है। तो अभी मैं फ़िलहाल हूँ रजौली बस स्टैंड के पास। अगर आपको गाँव से आ रहे हैं नवादा में पासपोर्ट बनाने के लिए, तो आपको पहले रजौली बस स्टैंड करना पड़ेगा। तो मैं बता, नवादा में जो पासपोर्ट बन रहा है, तो नवादे वाले लोग को भी पता नहीं है, बहुत सारे लोग को पता नहीं है। ऐसा नहीं कि नवादा में लोग वाले को पता नहीं है, बहुत सारे लोग को पता नहीं है। तो मैं बताऊंगा आपको कि कहां बन रहा है नवादा में पासपोर्ट। तो चलिए वीडियो में बने रहिएगा, तो चलिए दिखाता हूँ मैं आपको। तो आप रजौली बस स्टैंड से मतलब पुल पार होइएगा। पुल पार करने के बाद आपको ये बग्घा चौक आना पड़ेगा। बग्घा चौक से जस्ट सीधे रोड है जो सदर अस्पताल की तरफ दिया है। तो चलिए आपको बताऊंगा कि वहाँ पे कहाँ पे बनता है पासपोर्ट। तो वीडियो में बने रहिएगा, अगर वीडियो अच्छा लग रहा तो लाइक ज़रूर करिएगा और दोस्तों लोग के पास वीडियो शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि सबको पता चले कि नवादा में पासपोर्ट कहाँ बन रहा है। यह है नवादा का बग्घा चौक। तो आपको किधर जाना है तो दिखाता हूँ मैं आपको। इस रोड में जाना है जो सीधे है सदर अस्पताल, 3 नंबर बस स्टैंड तरफ जाना है। तो फाइनली मैं पहुंच गया हूं कि पासपोर्ट कहां बनता है। तो मैं आपको पहले बता दूं कि रोड जो आपको दिख रहा है, तो ये हॉस्पिटल रोड है जो कि बग्घा चौक से आप सीधे आइएगा जो 3 नंबर बस स्टैंड जाते हैं, तो बगल में ही है। जैसे कि देखिए पासपोर्ट कहां बन रहा बता रहा हूं मैं। तो ये पोस्ट ऑफिस दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा तो फ्रंट कैमरा से दिखाऊँगा मैं। तो ये है पोस्ट ऑफिस, यहीं बनता है पासपोर्ट। अब नहीं जाने पड़ेंगे आपको पटना। कौन जाएगा भाई नवादा से पटना 4 घंटे का सफ़र में, भाई आते आते 8 बज जाता है ना। तो अब जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब यहीं आके आप बना ले पासपोर्ट वगैरह। आपको अगर ये जानकारी अच्छा लग रहा तो दोस्तों लोग के पास शेयर ज़रूर करें, और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो दोस्तों लोग के पास शेयर ज़रूर करें और लाइक करना ना भूलें। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसे क्लिक करके ज़रूर दबा दें, क्योंकि मैं हर जगह का अपडेट देते रहता हूं। तो मिलता हूं आपसे मैं नेक्स्ट ब्लॉग में।